attraction. I'm coming back and love you, I'm coming to the beach. Pull up to my element, I'm coming to the beach. Said I should never be dreaming. When I'm doing something and you're not, pace tell me I believe. They say more money. हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़तरनाक होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि गाइज आज की वीडियो पर आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 मूवमेंट ट्रिक इन फ्री फायर। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, आज के टाइम पर फ्री फायर पर छोटे से छोटा प्लेयर भी भाई वन टैप एट्सर लगा लेता है, चाहे वो रेंगते हुए क्यों ना लगाए। इसलिए भाई आज के टाइम पर मूवमेंट स्पीड हाई होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग जो है मूवमेंट स्पीड की सारी ट्रिक समझ जाओगे ना और सीख लोगे, तो भाई बड़े से बड़े प्लेयर को भी बीट कर सकते हो, चाहे वो वन टैप हेडशॉट वाला क्यों ना हो। तो चलो तैयार हो जाओ मूवमेंट स्पीड ट्रिक की सारी टेक्निक को डिटेल्स में जानने के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा करके वीडियो बनाया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, यहाँ पर मूवमेंट स्पीड का हमारा जो पहला ट्रिक है वो है गाइस फेक रन। अब गाइस फेक रन कैसे काम करता है आप लोग देखकर ही समझ जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखो, आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामने ग्लू वॉल के पीछे एक बंदा है, अब वो भाई एग्रेसिव मोड पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रश नहीं करेंगे क्योंकि वो इजिली मार देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो पहले क्लिप देखो, ठीक है, फास्टली देखो इजिली, ठीक है। तो वो क्या गलती किया आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, पहले निकल जाऊँगा राइट साइड, मतलब बाहर निकल जाऊंगा, और जल्दी से हम लोग को मूवमेंट के साथ भाई वापस से अपने कवर पे आ जाना है। अब गाइस वो निकलेगा मारने के लिए क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं रन करूंगा, ठीक है, उसके साथ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो जैसे ही निकला मैं इजीली उसको मार दिया। ऐसा तरीके से आप लोग इजीली भाई फेक रन करके सामने वाले बंदे को मार सकते हो। अब गाइस ये सिर्फ ग्लू वॉल के पीछे है इसलिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं, अलग अलग जगह पे जैसे इस खम्भे के पीछे है यहाँ पर भी काम करेगा। आई होप गाइस यहाँ पर समझ गए होगे ये ट्रिक। अब हमारा जो सेकंड ट्रिक है वो है गाइस जिग जैग मूवमेंट ट्रिक। अब गाइस बहुत लोगों को पता होगा जिग जैग मूवमेंट कैसा होता है, लेकिन भाई याद रखना जिग जैग मूवमेंट का मतलब ये कतई नहीं होता कि भाई अपने स्क्रीन को इस तरीके से फास्टली इधर इधर उधर कर लो, ठीक है। सामने से कैसा दिखता है दिखाऊं, यहाँ पर देखो ऐसा दिखता है भाई। तो ये किस लिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या किया कि राइट साइड जाने की कोशिश करा और अचानक से मैं लेफ्ट साइड मूव करा और जंप करके इजीली भाई अपने पोजीशन पे आ गया। उसको लग रहा है कि भाई राइट साइड से जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इजीली भाई लेफ्ट साइड आ चुका हूँ और इजीली मैं इसको मार दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जिग जैग मूवमेंट काम करता है। और एक क्लिप देख लो ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाओ। यहाँ पर भी सेम चीज़ मैंने करा है, ठीक है, राइट साइड जाने की कोशिश करा और अचानक से मैं लेफ्ट साइड जाके जंप कर दिया। और सेम चीज़ आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, एक बार ट्राई करके देखना। अब भाई वो फायर करेगा उस साइड, इजिली हम लोग मार देंगे। आई होप गाइस यहाँ पर जिग जैग मूवमेंट ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब गाइस हमारी जो थर्ड मूवमेंट ट्रिक है वो है गाइस कंफ्यूज अपोनेंट एनिमी। अब गाइस कंफ्यूज अपोनेंट एनिमी मतलब सामने वाले एनिमी को कंफ्यूज करना। कैसे करते हैं यहाँ पर देखो, और मूवमेंट के साथ मारना है, ठीक है। मैंने ग्लू वॉल सामने लगाया लेकिन पीछे से जाके हेडशॉट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर काम कैसे किया देखो, सबसे पहले मैंने एक ग्लू वॉल लगाया सामने, जहाँ एनिमी खड़ा रहता है उस साइड मैंने ग्लू वॉल लगाया, ठीक है। अब उसको लगेगी भाई लेफ्ट साइड से आ रहा है, मैं डायरेक्ट मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पीछे से जाके डायरेक्ट हेडशॉट लगा देंगे। तो उसको वो भाई कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सामने से आया क्यों नहीं, पीछे से क्यों, मैं कैसे मार दिया, ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं करा क्योंकि यहाँ पर देखो एक चीज़ है कि वो लॉन्ग रेंज पे था, तो मैं भाई ग्लू वॉल लगा करके उस साइड नहीं घूम सकता ना, उतने दूर जाते जाते वो तो देख लेगा ना। इसलिए मैंने क्या किया, पहले एक ग्लू वॉल लगाया सामने जैसे लगाता था पिछले वाले क्लिप पे। अब भाई वेट किया, जैसे ही वो देखो रश करने के लिए आया ग्लू वॉल के पीछे है करके, मैंने वन टैप हेडशॉट लगा दिया। आई होप गाइस यहाँ पर थर्ड ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अब हमारी जो फोर्थ ट्रिक है वो है गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग। यहाँ पर देखो, अगर आप लोग जो है सेंसिटिविटी हाई नहीं रखोगे तो इसमें से भाई कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। इसलिए भाई जितना हो सके 100 पे खेलने की कोशिश करो, चाहे वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बाकी भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आईफोन यूज़ करते हो तो जनरल को इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगा कि 100-100 सेट कर लेना अपनी सेंसिटिविटी। अगर फिर भी भाई सेंसिटिविटी हाई नहीं हो रही है तो भाई DPI पे भी थोड़ा मोड़ा यूज़ कर सकते हो यार। अगर DPI कितना यूज़ करना है ये नहीं पता आप लोगों को ना, तो मारियो 78 DPI सेटिंग सर्च करना आ जाएगा, देख लेना कितना करना है, ठीक है। बाकी भाई आप लोगों को पता हो गया होगा। अब गाइस हमारी जो फिफ्थ ट्रिक है यानी कि सेटिंग है वो है गाइस कस्टम HUD। अब देखो गाइस, कस्टम HUD अगर आप लोग का परफेक्ट नहीं है ना, उसमें आप लोग परफेक्ट नहीं हो, तो भाई बहुत सारी दिक्कत आएगी मूवमेंट करने में,
ठीक है। इसलिए गाइस आप लोगों को एक परफेक्ट कस्टम एचओडी बना लेना है, चाहे वो 2 फिंगर हो या 3 फिंगर हो या फिर 4 फिंगर हो। बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं, अलग अलग फिंगर पे खेल के देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, आप लोग का भाई सही से ना हेडशॉट लगेगा जब ना मूवमेंट होगा। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी बंदे 4 फिंगर करना चाहते हो ना, तो राइट साइड जो जंप वाला बटन है, जैसे मेरा यहाँ पर राइट साइड है, इसको भाई आप लोग ऊपर रख सकते हो इस तरीके से, ताकि भाई जो मेन फिंगर होता है उसके सेकंड वाले पे हम लोग को क्लिक करना होता है। इससे भाई एक एडवांटेजेस होता है, यानी कि भाई मूवमेंट स्पीड करने के लिए एक हमारा फायदा होता है। क्या होता है, यहाँ पर देखो ऊपर जंप वाला बटन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मूवमेंट करूँगा। जैसे भाई मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मूवमेंट करते करते मैं जंप कर लूँगा। जैसे यहाँ पर देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, जो एक उंगली से तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, और ऊपर सेकंड वाले उंगली से मैं जंप कर देता हूँ। मतलब गाइस मूवमेंट करते करते हम लोग जंप कर लेते हैं। लेकिन भाई जब आप जो जंप वाले बटन को नीचे रख लेते हो ना, तो उसमें भाई ऐसा नहीं होता। जैसे अभी करके देखते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला जंप वाला बटन है, इसको हम लोग भाई नीचे ला लेते हैं, जहाँ था वहाँ कर देते हैं। अब भाई मैं ऐसे खेलता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है पता है, यहाँ पर देखो हम लोग, मैं करके बताता हूँ, यहाँ पर मूवमेंट करते हैं ना, तो उसी उंगली से, जिस उंगली से हम लोग को मूवमेंट करना होता है, उसी उंगली से हम लोग को जंप भी करना होता है। इसलिए भाई उसको छोड़ के जंप वाले बटन को क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भाई डिले हो जाता है। इसलिए भाई इसको भी ध्यान रखना, ऊपर रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई इस पांचों ट्रिक यानी पांचों टेक्निक, जो भी चीज़ें बताया, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, और हाँ नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक भी कमेंट कर देना, जिस टॉपिक पर ज़्यादा लाइक्स होंगे उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, अपना ध्यान रखना, और हाँ जरूर से कमेंट्स कर देना अगले टॉपिक के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, राधे राधे।